एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लैगून झील क्या होती है, और इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं आइस टोपोग्राफी के बारे में। रिवर टोपोग्राफी हो चुकी है आपकी, अब स्टार्ट करते हैं आइस टोपोग्राफी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आइस टोपोग्राफी। आइस टोपोग्राफी क्या होती है, रिवर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, सबको समझ में आ गया। मिडिल कोर्स क्या होता है, अपर कोर्स क्या होता है, ठीक है, लोअर कोर्स क्या होता है, डेल्टा, एस्टुरी, ये सब क्या चीजें होती हैं, ये ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। वेदरिंग, इरोजन, ठीक है, डिपोजिशन, ये सब चीज मैं बता चुकी हूँ। अगर आपने नहीं चेक किया है तो फर्स्ट क्लास से फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ये तीनों क्लास देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइस टोपोग्राफी बेसिकली आज स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये है माउंटेन। जब हम रिवर टोपोग्राफी पढ़ रहे थे तो उसमें ये वी शेप की वैली बना रही थी, माउंटेन के बीच में जो शेप थी वो वी शेप वैली बना रही थी, ठीक है। बट आइस टोपोग्राफी में ऐसा नहीं होता है, आइस टोपोग्राफी में यू शेप की वैली बनती है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना है, रिवर टोपोग्राफी में वी शेप वैली बनती है, ठीक है, और आइस टोपोग्राफी में यू शेप की वैली बनती है इस तरह, ठीक है। यहां पर रिवर वाले में वी क्यों बनती थी, पानी आता था तो ये इस पहाड़ को काटती थी बीच में से, ठीक है। बट आइस टोपोलॉजी में ऐसा कुछ नहीं होता, जब बर्फ जमती है तो जमना स्टार्ट हो जाती है और ऐसे ऊपर 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 करके ऊपर तक जम जाती है, तो आइस टोपोग्राफी में यू शेप की वैली बनती है। तो यूपीएससी प्रीलिम्स में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आइस टोपोग्राफी और रिवर टोपोग्राफी में कौन से शेप की वैली बनती है। आइस टोपोग्राफी में यू शेप की वैली, रिवर टोपोग्राफी में वी शेप की वैली बनती है, ठीक है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हैंगिंग वैली का और नॉर्मल वैली का, ठीक है, ये समझ में आया, यू शेप और वी शेप की वैली। देखिए, सपोज ये एक बर्फ का पहाड़ है या कोई वैली है, उसके पास एक और वैली है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं हैंगिंग वैली। इसको क्या कहते हैं, हैंगिंग वैली, ठीक है। जब ये वाली वैली, ये दोनों वैली पास में आने लगती है धीरे धीरे प्रेशर से, इधर से भी प्रेशर पड़ रहा है आइस का, उधर से भी आइस का प्रेशर पड़ रहा है, जब ये दोनों वैली आपस में मिल जाती है, सपोज ये वाली वैली अब हटकर इसके नीचे आ गई, ये दोनों वैली मिल गई, ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है, तब इसको बोला जाता है नूनाटक। जब इसको बोला जाता है नूनाटक, ठीक है, जब कोई भी दो आइस के ग्लेशियर, दो वैली या हैंगिंग वैली या कोई भी आइस का ग्लेशियर आपस में मिलते हैं, ठीक है, प्रेशर की वजह से, तो उसे बोला जाता है नूनाटक, ठीक है, समझ में आया। आइस टोपोग्राफी में अभी हमने क्या पढ़ा, यू शेप वैली होती है, ठीक है, हैंगिंग वैली क्या होती है, और क्या पढ़ा हमने इसके अलावा, नूनाटक। जब नॉर्मल वैली और हैंगिंग वैली, थोड़ी छोटी वैली आपस में मिल जाते हैं, तो उसे बोला जाता है नूनाटक, ठीक है। उसके बाद हम तीन टर्म और देखते हैं, ये समझ में आया, उसके बाद तीन टर्म और देखते हैं। एक होता है, बेसिकली इसको बोलते हैं सर्क, एक होता है अरिति, और तीसरी चीज को बोलते हैं गिरी स्ट्रिंग, गिरी स्ट्रिंग। ये क्या होती है, ठीक है, तो बेसिकली इसको, इन तीनों टर्म को समझाने के लिए मैं एक लूंगी बर्फ का टुकड़ा। ये है मेरे पास एक बर्फ का, एक आइस का टुकड़ा, ठीक है, ये सरफेस है, सरफेस है मतलब जिसे लैंड बोलते हैं ना, लैंड के ऊपर बर्फ जमी हुई है, ठीक है। सबसे ज्यादा बर्फ कहाँ पड़ती है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, आर्कटिक पोल, एंटार्कटिक पोल, जिसे कोल्ड डेजर्ट्स भी कहा जाता है, ये डेजर्ट्स में पड़ेंगे,
उसके बाद देखिए, जब इसमें कोई भी छोटा सा होल हो जाता है, ये सरफेस है और इसमें एक छोटा, इस बर्फ में एक छोटा सा गड्ढा हो गया है, तो उसको बोला जाता है सर्क। ठीक है, जब यही वाला जो होल है थोड़ा सा और बड़ा हो जाए, डीप हो जाए, थोड़ा सा और डीप हो जाए, उसे बोला जाता है अरिति। इसको बोला जाता है होल। और जैसे दो होल्स के बीच में, जैसे एक ये गड्ढा हो गया, एक ये गड्ढा हो गया, ठीक है, एक ये सर्क है और एक ये सर्क है, इन दोनों सर्क के बीच का ये जो ये वाला ऊपर वाला लैंड होता है ना, ऊपर वाला लैंड, इसे बेसिकली कहते हैं अरिति। ठीक है, इसको अगर एक बर्फ के टुकड़े में छोटा सा होल हो जाए तो उसे बोलते हैं सर्क, और दो होल के बीच में की जो जमीन होती है, सरफेस होती है, जब छोटी सी बच जाती है तो उसे बोलते हैं अरिति। ठीक है, आया समझ में? गिरीश रिंग क्या होता है? गिरीश रिंग उसे बोला जाता है जब लाइन से बहुत सारे सर्क हों, ग्रुप ऑफ, बेसिकली दिस इज ग्रुप ऑफ सर्क, ग्रुप ऑफ सर्क को क्या बोला जाता है? गिरीश रिंग। ठीक है, तो अभी बेसिकली मैंने तीन और टर्म समझाई है। सबसे पहले आता है सर्क, अरिति, गिरीश रिंग। सर्क, अरिति, गिरीश रिंग, सर्क, अरिति, गिरीश रिंग। जब एक सरफेस पर, आइस की सरफेस पर या ग्लेशियर पर या इसकी सरफेस पर छोटा सा होल हो जाएगा, छोटा सा गड्ढा हो जाएगा, तो उसे बोलेंगे सर्क। जब दो गड्ढों के बीच में जो छोटा सा लैंड बच जाता है, इसे बोलते हैं अरिति। और ग्रुप ऑफ सर्क, जब बहुत सारे गड्ढे एक साथ एक ही लाइन में बन जाएं, उन्हें कहा जाता है गिरीश रिंग। बेसिकली जो ये वाला स्ट्रक्चर होता है ना, बाद में कॉम की जैसे दिखाई देता है। ठीक है, ये कॉम लग रही है ना, ये कॉम लाइक स्ट्रक्चर ही होता है। ठीक है, बेसिकली ये कॉम की तरह दिखाई देती है। इतना समझ में आया? इन तीनों के बाद अब आगे समझते हैं कि कॉल क्या होता है। कॉल क्या होता है? देखिए, जब एक बर्फ में ऐसा होल हो जाए जो कि आर पार दिखाई देने लगे जिस होल से, उस होल को कहते हैं कॉल। ठीक है, उस होल को क्या कहा जाता है? कॉल। ठीक है, एक ऐसा होल आइस टोपोलॉजी में या बर्फ के किसी भी टुकड़े, आइस टोपोग्राफी के अंदर बर्फ के टुकड़े में एक ऐसा होल हो जाए जहां पर आर पार दिखाई देने लगे। ठीक है, बेसिकली ये होल बेसिकली बड़ा होकर एक केव का रूप ले लेता है। ठीक है, सपोज ये एक बड़ा सा ग्लेशियर है आइस का, और यहाँ पर इतना होल हुआ, फिर यहाँ से बर्फ हटने लगी और ऐसे, तो ये क्या बन गया? बर्फ की केव बन गई। तो बेसिकली ये टनल टाइप बन जाता है, एक आइस की टनल, जिसे कहते हैं कोर। कोर बेसिकली ये केव वाले उस पे नहीं होता है, केव वाली स्टेज पे इसको केव कहा जाता है, पर जब ये होल बहुत छोटा होता है जिससे आर पार दिखाई दे सके, तो उसे कोल कहा जाता है। अब एक और टर्म के बारे में पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड रास मोटाने मोरेन। ठीक है, ये बेसिकली क्या होता है? बहुत लंबी सी टर्म है, पर इसका जो मतलब है वो बहुत ही सिंपल है। ये होती है हमारी पहाड़ियां, ये माउंटेन होते हैं। जब इस माउंटेन पर बर्फ जम जाती है, इतनी इतनी मोटी परत जो है बर्फ, वी वैली नहीं होती यहाँ पर, यहाँ पर यू वैली होती है इस तरह। ठीक है, जब इन पहाड़ी के ऊपर बर्फ, पहाड़ियों के ऊपर बर्फ जम जाती है, तो उसको बेसिकली बोलते हैं रास मोटाने मोरेन।
ठीक है, और हिंदी मीडियम में इसको बोलते हैं हिमपोड़, हिमपोड़ ठीक है, इंग्लिश में ये और हिंदी में ये। हिम का मतलब होता है बर्फ, ओढ़ने का मतलब इसके ऊपर ओढ़ जाती है, तो उसे बोलते हैं हिम ओढ़, रास मटाने मोरी। अब ये तो हो गई बेसिकली इसकी हिम ओढ़ की बात, ठीक है। जब माउंटेन्स पे बर्फ जम जाती है, जब माउंटेन से बर्फ पिघलती है तो उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। ये माउंटेन है और इसपे है बहुत सारी बर्फ, जब ये आइस मेल्ट होती है, जब ये आइस मेल्ट होती है तो हमें दो टर्म्स का ध्यान रखना है। सबसे पहले है ड्रम लाइन, ड्रम लाइन, ठीक है। दूसरी टर्म है एस्कर्व, दूसरी टर्म है एस्कर्व। अब ड्रम लाइन और एस्कर्व क्या होता है, जब ये वाली जो बर्फ है पिघलती है तो ये हमें भी पता है, पढ़ चुके हैं, ये रिवर्स का रूप ले लेती है, ये नदियों का रूप ले लेती है, ठीक है। जब ये आइस का बड़ा सा टुकड़ा टूटकर रिवर में गिर जाता है, ठीक है, ये माउंटेन है और यहाँ पर आइस का इस टाइप का, इस शेप का जो टुकड़ा है, जब ये रिवर में चला जाता है, बह जाता है, तो उसे बोला जाता है ड्रम लाइन, ठीक है। उसे क्या बोला जाता है, ड्रम लाइन, ठीक है। अब ये बर्फ का टुकड़ा, जब सपोज हमारे पास एक गिलास है, हमने इसमें पानी, यहाँ पर पानी भरा और हमने इसमें आइस क्यूब डाल दी, जो हम आइस क्यूब डालेंगे इसमें तो वो धीरे धीरे पिघलने लगेगी पानी के प्रकोप से, है ना, पानी की वजह से, ठीक है। तो सेम यहाँ पे होता है, ये जो ड्रम लाइन है ना, बर्फ का बड़ा सा टुकड़ा गिर के रिवर में चला जाता है और ये जो पानी की वजह से, अब ये पानी में गिर गया है तो पानी की वजह से ये छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है, ठीक है। तो ये स्मॉल पीसेस में, टुकड़ों में बट जाता है, इन टुकड़ों को बोलते हैं एस्कर। उसके बाद ये धीरे धीरे पिघल के सीधा पानी बन के, रिवर बन के आगे चला जाता है, जो कि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ रिवर टोपोग्राफी में, ठीक है। तो ये था आइस टोपोग्राफी। इसमें एक चीज और रह गई है, ग्लेशियर तो सबको पता है आइस से बने होते हैं, बहुत बड़े बड़े, ठीक है। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा होता है, ये मैंने रफली बनाया है, JNK रफली मैंने बना दिया, JNK, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ये है POK, और ये वाला जो हिस्सा है इसको बोला जाता है एक्साइचिंग, ठीक है। बिल्कुल इसके बीचों बीच यहां पर सिचुएटेड है सियाचिन ग्लेशियर, क्या बोलते हैं, सियाचिन ग्लेशियर। सियाचिन ग्लेशियर सबसे बड़ा ग्लेशियर है, जहां पर एक बार POK के साथ बैटल भी हो चुका है इंडिया का। वो कैसे, वो ऐसे कि यहाँ पर पाकिस्तान ने कहा कि आप अपनी जो आर्मी है यहाँ से हटा लीजिए, इंडिया को बोला आप हटा लीजिए, हम भी हटा रहे हैं। जब वो हट गए थे तो बेसिकली जब इंडिया की आर्मी यहाँ से चली गई तो यहाँ पर POK जो है ना, जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान वाले यहाँ पर जो पाकिस्तान की आर्मी है सियाचिन ग्लेशियर को कब्जा करने के लिए बैठे थे, बट उस टाइम कब्जा नहीं हो पाया क्योंकि जो हमारी इंडियन आर्मी है उन्होंने 20-22 मिनट के अंदर अंदर ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का जो कब्जा हुआ था सियाचिन ग्लेशियर पे, इसको हरा दिया था। तो यहाँ पर कब्जा किसने कर लिया था, ठीक है, बेसिकली हमारे पास ना क्लोथ्स वगैरह नहीं थी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो ठंड होती है ना वो माइनस में होती है, ठीक है, बेसिकली -50 डिग्री -55 डिग्री। तो जो नॉर्मल विंटर्स के क्लोथ्स होते हैं ना वो बेसिकली इस ठंड को नहीं झेल सकते। तो इस ठंड को कौन कौन से लोग झेल सकते हैं, जो नॉर्थ एशिया के लोग हैं या फिर बिल्कुल नॉर्थ में, नॉर्थ पोल पे जो आर्कटिक के पास जितने भी है, जैसे कि नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, इन सबको ठंड झेलने की आदत है,
तो बेसिकली वो खैर किसका पार्ट हो गया ये, मैप में चली गई थी मैं हिस्ट्री बताने लगी, सॉरी। कोई बात नहीं, वैसे नॉलेज के लिए अच्छा है। तो ये सियाचिन जो ग्लेशियर है ना, इस बारे में ध्यान रखिएगा, ठीक है? ये सबसे बड़ा ग्लेशियर है, बहुत ठंडा है। इसको कब्जा करने की कोशिश की थी पाकिस्तान ने, बट नहीं हो पाया था। यही होता है टीचर्स के साथ, कंटेंट में ही बह जाते हैं, ठीक है? तो आइस टोपो ग्राफी पढ़ाते पढ़ाते सियाचिन ग्लेशियर पढ़ा रही थी, और वो ग्लेशियर पढ़ाते पढ़ाते हम लोग कहाँ चले गए थे, इंडिया पाकिस्तान में। तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट लगता था आइस टोपोग्राफी के कंटेंट में, ठीक है? अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, ठीक है? और देखिए, रिवर टोपोग्राफी हो गया है, आइस टोपोग्राफी भी हो गया है। हमें रिवर वाले में कोस्ट पढ़ना है, एक कोस्ट पढ़ना है, ठीक है? और इसके अलावा क्या रहता है, अंडरग्राउंड वाटर, एक कोस्ट रहता है, एक अंडरग्राउंड वाटर रहता है, ठीक है? तो ये नेक्स्ट क्लास में पूरा कर लेंगे।